हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज महक। आई नो बहुत लेट वीडियो आई है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। मैं सीरीज कंटिन्यू नहीं कर पाई, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट टू अपलोड टू वीडियोस इन अ डे। विल ट्राई, आई एम नॉट प्रॉमिसिंग यू। आज जो मैं हॉल शेयर करने वाली हूँ वो है सिमसिम का, बिकॉज मैंने सिमसिम से बहुत ही ज़्यादा शॉपिंग मैं कर रही हूँ, काफ़ी टाइम से कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें कंसिडरेबली अफोर्डेबल है बाकी ऐप्स वगैरह से। तो ये वाला जो हॉल है बेसिकली होगा होम डेकोर को लेके, किचन को लेके, या ऐसी कुछ चीज़ें, ज्वेलरी, असेंशियल या एसेसरीज जो कि हमको रिक्वायर्ड रहेगी दिवाली पे। और ये शेयर करने का अभी रीज़न सिर्फ इतना सा है कि इफ़ इन केस आपको कुछ पसंद आए तो आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। सभी प्रोडक्ट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, प्राइस वगैरह स्क्रीन पर मिल जाएगी, बिकॉज थोड़ा ज़्यादा टाइम भी हो गया है कुछ प्रोडक्ट्स को लिए हुए, तो मुझे प्राइस ऑनेस्टली याद नहीं है। तो विदाउट एनी फर्दर लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम की वैल्यू करना। तो यहाँ पे मेरे पास जो सबसे पहला प्रोडक्ट है वो है लॉरेंस की टू वॉचेस। ये कॉम्बो है वॉचेस का, इसकी प्राइस आई गेस 500 है टू वॉचेस की, एंड वॉचेस आर अमेजिंग। ऑलरेडी मैंने इंस्टाग्राम पे पोल करके पूछा था कि आप लोगों को कैसी लगी, तो बहुत लोगों को पसंद आई थी। नहीं फॉलो कर रहे हो तो कर लेना, हैंडल आपको दिख रहा है। दीज आर द टू वॉचेस, एक है ब्लैक कलर की वॉच, इट इज़ अ चेन वॉच। ये एक चेन वॉच है, यहाँ पे डायल जो है ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा छोटा भी नहीं है। और सेकंड जो वॉच है वो है रोज़ पिंक कलर की, और ये एक स्ट्रैप वॉच है, विच मीन्स इसमें ये स्ट्रिप है। और ये वैसे तो लेदर की है बट प्योर तो नहीं ऑब्वियसली। इसका डायल बहुत सुंदर है, इसके डायल में चारों तरफ है ना डायमंड के छोटे छोटे से स्टड्स लगे हुए हैं जो कि इसको बहुत ज़्यादा सुंदर बना देते हैं। और ये रोज़ गोल्ड जो आउटर है इसका, ये मुझे बड़ा पसंद है, आई लव रोज़ गोल्ड कलर, और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है। ये हर आउटफिट के साथ चल जाती है, डार्क में भी एंड लाइट कलर्स में भी, और बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है। पैकिंग वाइज बहुत ही अच्छी तरीके से पैक होकर आई थी, ऑल थिंग्स वर बबल रैप। सो दिस इज़ माई फर्स्ट परचेज। सेकेंड परचेज जो है वो थोड़ा सा सेफ्टी को लेके है। ये मैंने परचेज किए थे यहाँ पे, ये कुछ मास्क है, ये डब्बा इसलिए बिकॉज इसमें रैपिंग होके आए थे ये वाले मास्क, के पैक ऑफ 50 या पैक ऑफ 100 है। ये मैंने मंगवाए थे 3 महीने पहले, और ये अनयूज इसलिए हैं बिकॉज अफोर्डेबल है, बट द ओनली बैड थिंग इज इनमें जो इलास्टिक है ना वो ज़रा से ही खींचते टूट जाता है एक साइड से, मतलब जो सिलाई है वो कच्ची सिलाई है, तो उसको आपको थोड़ा टाइट करना पड़ेगा, जो कि हमसे 3 महीने में नहीं हुआ, ना टाइम मिला और ना हमारे घर में जो सिलाई मशीन है वो सही है, वो ख़राब हो चुकी है। तो लाइक सी देखा ना, तो कच्ची सिलाई है इसलिए थोड़ा सा डिसअपॉइंट हूँ, अदरवाइज दीज आर टू अफोर्डेबल। और सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दिवाली हुई कुछ भी हुई दिवाली हो या कुछ भी हो, सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक मास्क वाला पेयर आपके पास होना चाहिए, पैक होना चाहिए, ये नहीं कोई और, सैमसंग पर और भी अवेलेबल है आई गेस, तो आप देख सकते हो। बाय द वे वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है। सो द थर्ड प्रोडक्ट इज दिस ब्यूटिफुल कॉपर बॉटल्स। ये दो का कॉम्बो है एंड इसकी प्राइस है समथिंग अराउंड 1100 रुपीज, क्वाइट कॉस्टली, बट है प्योर कॉपर एंड कॉपर कॉस्टली ही आता है। एक 1000 ml की है, एक 750 ml की है। इस पे जो प्रिंट है वो डार्क ब्लू कलर फ्लावर्स बने हुए हैं, एंड इसका जो प्रिंट है वो है पैबल्स प्रिंट, दिस इज माई पर्सनल फेवरेट। और इसका जो कैप है काफ़ी अच्छा है, मतलब ये बहुत अच्छी है बॉटल इन ऑल, ठीक है। कॉपर की बॉटल्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, अगर हम रात को कॉपर की बॉटल में पानी रख के उस पानी को सुबह पीते हैं तो हमारी बॉडी का डाइजेशन, ओवरऑल हेल्थ जो होती है बहुत इंप्रूव होती है। सो इसीलिए मुझे ये बहुत पसंद आ गई थी लुक वाइज भी। नेक्स्ट परचेज जो है मेरी वो है एक किचन के लिए प्रोडक्ट। पहले मैं किचन का दिखा देती हूँ, फिर मैं ज्वेलरी एक्सेसरीज दिखा दूंगी। ओके, सो यहाँ पे ये कॉम्बो प्रोडक्ट है, एक है ये चीज़ ग्रेटर, छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है बट अच्छा है, बहुत अच्छा है, मैं यूज़ कर चुकी हूँ। और यहाँ पे है एक लेमन स्क्वीज़र, काफ़ी बड़ा है ये, अच्छे खासे छोटा और बड़ा दोनों लेमन इसमें इजीली आ जाएंगे। और यहाँ पे आपको एक बॉटल ओपनर मिल जाता है, आप इसकी ब्लेड देख सकते हो, और क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्लास्टिक के हैं दोनों। सो दिस इज़ माई परचेज, आई गेस ये 149 समथिंग का है ये, तो या दिस इज द थिंग। नेक्स्ट परचेज जो है, अब किचन का तो क्या डिटेल में बताऊंगा आपको, नेक्स्ट कॉम्बो जो है मेरा प्रोडक्ट का वो किचन के लिए है, ये ग्रीन कलर का चॉपिंग बोर्ड। मुझे पर्सनली परचेज करना था चॉपिंग बोर्ड, तो उसके साथ ये तीन चीज़ें भी आ रही थी कॉम्बो में, तो आई पिक्ड अप इट। ये है एक स्लाइसर, इट इज़ अ स्लाइसर, वो आलू और उनकी जो ऊपर का वो होता है ना छिलका वो हटाने के लिए। और यहाँ पे अगेन एक ग्रेटर हमको मिल जाता है, एंड देन अगेन यहाँ पे एक बॉटल ओपनर है, ये है लाइटर,
एंड दिस इज अ नाइफ, और ये है चॉपिंग बोर्ड, यहाँ पे वेजिटेबल्स का थोड़ा सा प्रिंट बना हुआ है. कॉम्बो अच्छा है, अफोर्डेबल है, बट द ओनली बैड थिंग इज कि जब मुझे ये लेना था, बस मेरे दिमाग में था कि मुझे लेना है, तो मैंने है ना बस पिक कर लिया था, मैंने ध्यान नहीं दिया. बट एक चीज सजेस्ट करूंगी, जब भी आप कोई चॉपिंग बोर्ड लो तो उसकी थिकनेस होना काफ़ी मोटी हो. अब इस जो चॉपिंग बोर्ड की थिकनेस है ना, वो इतनी ज़्यादा नहीं है. तो जब हम इसको स्लैब पे यूँ रखते हैं, यूँ जब इसको रखेंगे तो हमको वही उतना ही प्रेशर और फोर्स लगाना पड़ेगा. बट अगर हम इसको यूँ रख के रखेंगे ना, काम फॉर एग्जाम्पल ये स्लैब है और इसको इस पे यूँ ऐसे हम रख लेंगे तो ईजिली हो जाएगा. बट आई विल सजेस्ट यू कि थोड़ा सा थिकनेस में ज़्यादा हो चॉपिंग बोर्ड, वो वाला आप पिक करना, वो ज़्यादा हेल्पफुल होता है. तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा हमारी पर्सनल केयर और इन सब के लिए. तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने मंगवाया था न्यूट्रीग्लो का सोना चांदी फेशियल किट, बिकॉज इस टाइम पे आई एम नॉट प्लानिंग टू गो टू एनी पार्लर और सैलॉन ऑन दिवाली. सिर्फ थ्रेडिंग फोरहेड अपर लिप्स करवा के आने वाली हूँ वैक्सिंग के साथ, बट फेशियल और ये सब चीज़ें मैं खुद घर में ही करने वाली हूँ. आई विल अवॉइड जितना हो सकता है, मैं बाहर का कॉन्टैक्ट कम ही रखूंगी सबसे. सो ये काफ़ी अफोर्डेबल है, इसकी प्राइस वगैरह सब यहाँ पे दिख जाएगी. ये एक कॉम्बो प्रोडक्ट है अगेन, इसके साथ ये फेशियल 5-in-1 मसाजर है और ये काफ़ी हेल्पफुल है गाइज, ये बहुत हेल्पफुल है. इसमें आपको है ना यूँ एक इलेक्ट्रिक मशीन मिलती है जिसमें बैटरीज लगानी पड़ती है, एंड देन आपको 5 अटैचमेंट्स मिल जाते हैं. यहाँ पे 5 अलग अलग है, मैं दिखाऊंगी तो यूँ गिर के बाहर आ जाएगा. आई विल इंसर्ट अ पिक ओवर है. ये बहुत अफोर्डेबल है, आई मीन फेशियल किट के साथ फेशियल मसाजर, ये वाली कॉम्बो डील बहुत अच्छी है. और ये इस पर्सनली इस वाले किट को मैं 2 बार यूज कर चुकी हूँ. ऑनेस्ट रिव्यू बहुत जल्दी आएगा इन दोनों का, इंडिविजुअल मैं सोच रही हूँ कर लूँ और काफी अच्छा है. लाइक व्हाट, अंदर से दिखाऊँ एक बार आप लोगों को, एक बार दिखा देती हूँ. तो ये अंदर से ना कुछ ऐसा है, यहाँ पे आपको 5 अलग अलग डिब्बी मिलते हैं, डिब्बी मिलती है, डिब्बी मतलब एक क्लेंजर है, एक स्क्रब है, एक जेल है, क्रीम है, देन यहाँ पे हमारे पास है फेस मास्क एंड देन सीरम. जनरली पूरा किट है जो पार्लर पे करती है दीदी हमारे क्लीनअप, वही है. और पार्लर पे जनरली हम जाते इसलिए कि हमको एक रिलैक्सेशन टाइम मिल जाए, बट इस टाइम पे आई थिंक घर पे ही करना सब बेटर है. और सिर्फ दिवाली ही नहीं, वेडिंग सीजन फेस्ट आ ही रहा है साथ में, तो ठीक है. सो दी नेक्स्ट परचेज इस, मुझे पता है बहुत सारे लोग पूछने वाले हैं कि दी आपने ये इयररिंग्स कहाँ से लिए. तो ये इयररिंग्स हैं सिमसिम से ही, ये है सिल्वर शाइन ब्रांड के आई थिंक गोल्ड अलॉय इयररिंग्स. इनकी प्राइस आई डोंट रिमेम्बर, बट आई गेस 300 समथिंग है, थोड़े से कॉस्टली हैं बट दे लुक अमेजिंग. द ओनली वर्स्ट पार्ट इट की पास्ट इज कि इस वाले इयररिंग का जो पीछे जो वो नहीं होती स्टिक जो जिसके हमको इंसर्ट करते हैं अंदर पिन जो होता है, वो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा ढीला टाइप हो रहा है, तो थोड़ा सा आई थिंक वो निकल जाएगा, तो मुझे उसको कहीं ना कुछ तो फिक्स करना ही पड़ेगा. बट दे लुक सो गॉर्जियस, ये कितने सुंदर लग रहा है. आई मीन पता है ये वाले इयररिंग्स पहनने के लिए मैं ये आउटफिट पहन के बैठी हूँ, ट्रस्ट में. ओके सो दी नेक्स्ट, ये सो दी नेक्स्ट परचेज इज अ रिंग कॉम्बो, जो कि ऐसी रिंग है और इसके अंदर 2 रिंग्स मिल जाती है आपको. लव लिखा हुआ है इनमें, ठीक है. एक मैंने यहाँ पहन रखी है, ठीक है. ओ के बीच में छोटा सा डायमंड का स्टड है और ये एडजस्टेबल है, ठीक है. ये एडजस्टेबल है, वैसे मैं इन सबकी लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आपको सिमसिम ऐप पे भी मेरी इंडिविजुअल वीडियोस मिल जाएगी हर प्रोडक्ट के लिए. एंड आई एम लविंग द ज्वेलरी फ्रॉम सिमसिम. तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ना नेक्स्ट गिव अवे जो भी करूंगी प्लान 10K पे करूंगी फॉर श्योर इस वाले गिव अवे के बाद, तो मैं सोच रही हूँ कि उसमें मैं ना ज्वेलरी या एक्सेसरीज ही इंक्लूड करूँ अदर देन मेकअप एंड स्किन केयर. तो आई थिंक वो ज्यादा आप लोग पसंद करोगे. अगर करोगे तो कॉमेंट करके बताना मेरा आइडिया आपको कैसा लगा, तो मैं नेक्स्ट टाइम उसी को इन्वॉल्व करूंगी. तो यहाँ पे जो रिंग का कॉम्बो है, एक थोड़ी सी पतली है रिंग एंड दूसरी वाली जो है वो थोड़ी सी ब्रॉड है, मोटी है. जनरली ये कपल रिंग है, तो अब कपल तो है नहीं, तो मैं ही पहन लूंगी सारी दोनों. चाहो तो एक ही रिंग में भी पहन सकते हो, वैसे एक में तो कई पहनोगे, अलग अलग पहन लेना. और चाहो तो गिफ्टिंग पर्पज से भी ले सकते हो, आप किसको गिफ्ट करना है तो आपको पता. इसकी जो प्राइस है वो है समथिंग अराउंड 220 या समथिंग कुछ है. क्वालिटी अच्छी है, एडजस्टेबल है, तो इजीली आ जाएगी. एंड आई थिंक दिस इज नाइस, लव लिखा हुआ है ऊपर बहुत. द नेक्स्ट परचेज इज दिस ब्यूटिफुल चोकर नेकलेस. कुड यू सी दैट, लोग देख सकते हो कितना सुंदर है. पता है ये ऐसा है लाइक यू,
तो इजीली नेक पे यूं यूं भी हो जाएगा, तो कोई इशू नहीं आएगा। इतने सुंदर से इसमें यूं नीचे कुंदन और डायमंड के पर्ल्स लटक रहेंगे, बहुत प्रिटी लुक देता है। मैं यहाँ पे फोटो इंसर्ट करूंगी। मैंने ऐसा मांग टीका है इसका, बहुत सुंदर लगता है। मैं ऑलरेडी इसको वेयर कर चुकी हूँ। एंड देन यहाँ पे है ये वाले इयररिंग्स, तो इन इयररिंग्स में नीचे ये छोटा सा पर्ल लटक रहा है और मैं मेरे एक इयररिंग का पर्ल कहीं गिरा चुकी हूँ, बट ये बहुत सुंदर है, बहुत एलिगेंट लगता है और बहुत क्लासी लुक देता है। एंड प्राइस भी इसकी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इफ़ यू आर ब्राइड टू बी या फिर हो, ऑलरेडी शादी हो चुकी है या कोई लड़की हो जो कि हैवी पहनना पसंद करती है ज्वेलरी, तो आप आई थिंक आपको एक बार चेक कर लेना चाहिए। और लेडीज़ के हिसाब से भी अगर आप ले रहे हो तो ये बहुत सुंदर लगेगा, लाइक नॉट ओनली ऑन गर्ल्स, लेडीज से भी बहुत अच्छा लगेगा। क्वालिटी बहुत बहुत अच्छी है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। हाँ, बस इतना सा है कि आपको ऐसी काइंड की जो ज्वेलरी, ऐसी टाइप की जो ज्वेलरी होती है ना, इनको थोड़ा सा संभाल के रखना पड़ता है, पॉलीथिन में रखना हमेशा, और थोड़ा सा पानी वानी से दूर रखना, वरना ये थोड़े से काले भी पड़ जाते हैं, लाइक ज्वेलरी सारी पड़ती है यार काली, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है ज्वेलरी का। ओके, सो द नेक्स्ट पीस एंड आई थिंक द लास्ट पीस फॉर दिस पर्टिकुलर हॉल इज दिस ब्यूटिफुल डायमंड का नेकलेस। ओ माई गॉड, मैंने इसको देखा था, देखते ही आई वॉज लाइक मुझे दे दो, ये तो मुझे दे दो, दिस इज सो प्रिटी, ये बहुत सुंदर है गाइस, बहुत ज्यादा सुंदर है ये। यहाँ पे आपको एक चेन मिल जाती है ऐसे, इसमें आप बड़ा छोटा जो भी करना चाहो। अगर मैं आपको एक लुक दिखाऊं इसका, वेट दिखाती हूँ, दिस विल लुक लाइक दिस। इसमें ऑल ओवर डायमंड्स लगे हुए हैं, टू लेयर्स है डायमंड्स की अलग अलग। ओके, सो बहुत अच्छा है ये भी बहुत अच्छा है। प्राइस के हिसाब से आई थिंक ओके गाइस, सो द नेक्स्ट परचेज इज दिस ब्यूटिफुल गोल्डन क्लच। यहाँ पे आपको गोल्डन के बीट्स मिल जाते हैं अंदर, आगे से यहाँ पे छोटा सा है, इसमें गोल्डन के ब्लॉक प्रिंट्स हैं ऊपर, और इसको जब हम खोलते हैं तो अंदर हमको मैग्नेटिक जो है स्टड्स मिलता है इनको क्लोज करने के लिए। अंदर स्पेशियस काफ़ी है, ये चेन है यहाँ पे भी, क्वालिटी बहुत अच्छी है, डिज़ाइन बहुत अच्छी है, साइड से कुछ इस तरीके से दिखता है। आई थिंक आज मेरी सब चीज़ें मैच कर रही है ना, गोल्डन गोल्डन गोल्डन, बहुत सुंदर है ये, बहुत अफोर्डेबल कितना है यार, I love this। मुझे क्लचेस, वॉचेस, ज्वेलरी सब पसंद है, मुझे सब पसंद है बट ये मुझे बहुत पसंद है। सो परचेज इज स्पेशली फॉर दिवाली, मैंने घर के लिए मंगवाए थे ये कुशन कवर्स, ऑल दो कुशंस पे ये लग चुके हैं, इनमें ऐसे बहुत ही सुंदर से है ना मोर बने हुए हैं, और इस पे जो हल्का सा जूट फैब्रिक का वर्क है पीछे से ये कुछ ऐसे दिखते हैं। एंड प्राइस इसकी सिर्फ आई गेस 300 ही है, और 5 का पेयर आपको मिल जाएगा, बाकी सब में लगे हुए हैं तो मैं उठा के नहीं लाई, बस मैं ये दिखाने के लिए लिया आप लोगों को। बहुत 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 अच्छा है, आई मीन आई लाइक दीज काइंड ऑफ थिंग्स, मुझे होम डेकोर और एक्सेसरीज बहुत पसंद है। मैंने बहुत सारी क्लोथिंग भी मंगवा रखी है, बहुत सारी और चीज़ें भी हैं जो आगे हॉल्स में शेयर करूंगी। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मेरे एग्जाम्स भी चल रहे थे तो चीज़ें वर्क नहीं कर रही थी। जो लास्ट वाला दांत होता है इसके ऊपर की जो स्किन थी वो कम्प्लीटली छिल गई थी, बिकॉज मैंने बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पी लिया था एंड आई वॉज नॉट एबल टू स्पीक, मतलब मैं कुछ खा भी नहीं पा रही थी, इवन अभी भी है, बट अब एटलीस्ट मैं बोल पा रही हूँ और थोड़ी मेरी तबीयत ठीक हुई है। अब इसकी वजह से मेरा सीधा पेन हो रहा था हेड में, एंड हेड में जब मेरे पेन होता है तो मेरा सीधा वो पेन जाता है नेक में, तो मैं मतलब यूँ हुई थी बिल्कुल लाइक ओ गॉड, मुझे लिटरली वो डेज याद है। आप लोग के कॉमेंट्स आ रहे थे, पता है मैं कॉमेंट पे लाइक भी नहीं दे पाई, लव भी नहीं दे पाई आप लोगों को। If you are wondering कि मैंने ये वाला मेकअप लुक कैसे क्रिएट किया, Instagram पे फॉलो कर लो, बहुत अच्छी अच्छी रील्स आने वाली है, वहाँ पे भी मेकअप वीडियोज आने वाली है, क्योंकि अब मैं सही हूँ, मेरी तबीयत ठीक है। सो या गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, आई जस्ट होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक जरूर करना, और अगर मैं पसंद आऊँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गाइज, बाय एंड टेक केयर। एंड वन मोर थिंग, आने वाली कुछ वीडियोज हॉल ही होने वाले हैं, सो या।